बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर बायो मालिक्यूल्स की फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। हमने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, और सेल किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक लिविंग मैटर है जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक हमारा आता है पानी, और दूसरा इसमें आ जाता है हमारा ड्राई वेट। यानी सेल में दो चीज़ें होती है, पानी और ड्राई वेट। अब अगर पानी एवापोरेट हो जाए, वाटर इसमें से एवापोरेट हो जाए, तो रह जाता है ड्राई वेट। जब ड्राई वेट को देखेंगे तो ड्राई वेट में क्या मिलेगा हमें? बायो मालिक्यूल्स। तो इसका मकसद ये हुआ कि सेल का जो लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पानी जो 70-90% होता है, और उसके साथ साथ जो ड्राई वेट होता है, जब पानी एवापोरेट हो जाए तो उसमें जो दूसरी चीज़ पाई जाती है वो है बायो मालिक्यूल्स। यानी बायो मालिक्यूल्स इसका एक ड्राई वेट बनाते हैं। अब बायो मालिक्यूल्स चार किस्म के होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये चार बायो मालिक्यूल्स सेल का पूरा ड्राई वेट बना देती हैं। अब ये आता है कि बायो मालिक्यूल्स, हमने पढ़ा है कि मालिक्यूल क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। तो मालिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। तो बायो मालिक्यूल्स भी ज़रूर किसी न किसी एटम्स के बने होंगे। तो हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के में 16 एलिमेंट्स होते हैं, और उनमें से सिक्स एलिमेंट्स आर बेसिक एलिमेंट्स। अब वो सिक्स एलिमेंट्स कौन से हैं? हमारे यहाँ सिक्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ये सल्फ़र। ये छह एटम्स हमारे बायो मालिक्यूल्स बनाते हैं। अब अगर आप चारों बायो मालिक्यूल्स को देखेंगे कि इन चारों बायो मालिक्यूल्स में इनके अलावा कोई और दूसरा एटम नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स ही हमारे सारे बायो मालिक्यूल्स बना देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर यह कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमाइनो एसिड उठाएं, तो अगर अमाइनो एसिड में आप उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर एक रेडिकल है, और ये हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इसमें आप देखेंगे कि आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ ये तीन एटम्स यानी यहाँ पर ये मिल रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आप दूसरा मालिक्यूल उठाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ग्लूकोज को उठाएं, तो ग्लूकोज में कौन कौन से एटम्स मिलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्लूकोज है, और इसी ग्लूकोज में हमें हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और इसी तरह कार्बन भी मिलेगा। तो यानी यहाँ पर इसका मकसद ये हुआ कि ये सिक्स एलिमेंट्स हैं जो हमारा बेसिक मालिक्यूल्स, ये जो बायो मालिक्यूल्स बना देते हैं। फिर इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में आ जाएं, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में भी आपको इन्हीं एटम्स में से मिलेगा, इनके अलावा और कोई एटम नहीं मिलेगा। इसी तरह आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर इसी तरह आप इसके साथ साथ उसमें आ जाएँ, न्यूक्लियोटाइड में आ जाएँ, तो अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेंटोज शुगर है। अब इस पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पर होता है नाइट्रोजीनियस बेस होता है, और यहाँ पर हमारे पास होता है फास्फेट ग्रुप होता है। अब मैंने ये कहा कि ये सिक्स एलिमेंट्स हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये छह एलिमेंट्स हमारे बायो मालिक्यूल्स में मिल जाते हैं, इसीलिए हम इनको बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अलावा कोई और मालिक्यूल्स नहीं होता है, कोई और एटम नहीं होता है जो ये हमारे इन मालिक्यूल्स में मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अमाइनो एसिड है, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रही है। इसी तरह आप यहाँ पर ये ग्लूकोज है आपके पास, तो इसके पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है।
फिर इसी तरह आप नीचे आ जाएं ग्लिसरॉल में भी तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर आप नीचे आ जाएं इस न्यूक्लियोटाइड में आ जाएं, इस न्यूक्लियोटाइड में तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर में तो कार्बन आ जाएगी, यहाँ नाइट्रोजन स्पेस में नाइट्रोजन आ जाएगी, और ये फास्फोरस यहाँ पर आपके हाँ ये यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर ये जो सल्फ़र है, अब मैंने सल्फ़र इसमें नहीं बताई, अब सल्फ़र क्या है, देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो अमाइनो एसिड्स हैं कि चेन्स हैं, तो अगर आप इनको स्पाइरल स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे क्योंकि प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से ही ये दो यानी ये जो चेन से एक दूसरे के साथ वो मिलकर एक स्पाइरल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका मकसद है, ये हमारे सिक्स बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ इनमें बेसिक यानी मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं। अब यही आग जाकर ये सेल का क्या बना देते हैं, ड्राई वेट बना देते हैं।